कि मध्य प्रदेश की सरकार सरकारी पैसे से जन अभियान परिषद के माध्यम से आचार संहिता लगने के बाद 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि इन्होंने 52 जिलों में ट्रांसफ़र कर दी। सीधे सीधे शासकीय फंड की फंडिंग है जिससे चुनाव चलाना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक 300 से ज़्यादा शिकायतें हम कर चुके हैं लेकिन किसी में कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। कि चुनाव आयोग उदासीन है, चुनाव आयोग चुनाव कराने की फॉर्मेलिटी कर रहा है, चुनाव आयोग विपक्ष की आवाज़ को देखना नहीं चाहता है। हम अगर उल्लंघन बता रहे हैं कानून का, विधि का, आचार संहिता का, उस पर भी एक्शन नहीं हो रहा है, तभी तो वो दुस्साहस करके कह पा रहे हैं कि डरो मत, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, देखते हमारा होल्डिंग कौन उखाड़ता है। इस देश में CBI, ED, इनकम टैक्स, उसके साथ एक नाम और जुड़ चुका है, उसका नाम है भारत सरकार का निर्वाचन आयोग। यह संस्थान जो संवैधानिक संस्थान है जिस पर सबकी आस्थाएं टिकी हुई हैं लोकतंत्र की मजबूती को लेकर, वह यदि किसी पार्टी का अनुसांगिक संगठन बन जाएगा तो पूरे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग से सरकार की फिर से शिकायत की है लेकिन इस बार पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता अजय गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस ने शिकायत की है और मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा सहित कई वकील और कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता अजय गुप्ता ने कहा कि आज हमने जन अभियान परिषद के जरिए सरकारी पैसे के ट्रांसफर की शिकायत की है। सरकार ने जन अभियान परिषद के माध्यम से 7 करोड़ की राशि के वितरण की शिकायत की है। शिकायत में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस राशि से अलग अलग जिलों में इंसेंटिव के नाम से 50,000 की राशि हस्तांतरित की गई है जो सीधे तौर पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं गुप्ता ने निर्वाचन आयोग पर उदासीनता का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में हम लोग 300 से ज्यादा शिकायत कर चुके हैं लेकिन अब तक एक भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई, जो निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। द खबरदार से भोपाल ब्यूरो चीफ आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट। आज कांग्रेस की तरफ से निर्वाचन आयोग को शिकायत की गई है कि मध्य प्रदेश की सरकार सरकारी पैसे से जन अभियान परिषद के माध्यम से आचार संहिता लगने के बाद 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि इन्होंने 52 जिलों में ट्रांसफ़र कर दी और दस्तावेजी प्रमाण के साथ हमने उसमें दिया है, जिसमें CM हाउस के श्री पांडे जी हैं, एक उनके व्यक्ति उसमें शामिल हैं और उनका मोबाइल नंबर उसमें हमने लिख के दिया। ये सीधे सीधे शासकीय फंड की फंडिंग है जिससे चुनाव चलाना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और हमने आज इलेक्ट्रल ऑफिसर साहब से ये भी कहा है कि आप भी इसमें कम से कम कुछ एक्शन लीजिए क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक 300 से ज़्यादा शिकायतें हम कर चुके हैं लेकिन किसी में कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है और इससे इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। क्या वजह मानते हैं कि अभी तक किसी भी शिकायत के पत्र में कार्रवाई नहीं हुई? वजह बहुत स्पष्ट है कि चुनाव आयोग उदासीन है, चुनाव आयोग चुनाव कराने की फॉर्मेलिटी कर रहा है, चुनाव आयोग विपक्ष की आवाज़ को देखना नहीं चाहता है। वो जिसका स्वयं का दायित्व है उनकी स्वयं की टीमें होनी चाहिए जो क्षेत्र क्षेत्र घूमें, वीडियो बनाकर शाम को लाकर दिखाएं, उल्लंघन बताएं, वो तो वो कर नहीं रहे। हम अगर उल्लंघन बता रहे हैं कानून का, विधि का, आचार संहिता का, उस पर भी एक्शन नहीं हो रहा है, तभी तो वो दुस्साहस करके कह पा रहे हैं कि डरो मत, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, देखते हमारा होल्डिंग कौन उखाड़ता है। ये सब बातें इसीलिए तो हो रही हैं। इस देश में अगर कुछ फेयरनेस से होना है तो ये शासकीय, ये कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संस्थानों को कुछ तो अपनी दांत दिखाने पड़ेंगे। सर अभी क्या आश्वासन मिला? आश्वासन हमेशा जैसा कि जी आपकी शिकायत हो गई है, हम इस पर देखेंगे, विचार करेंगे। हमने कहा सर पिछली 300 को क्या हुआ, उन पर भी विचार हो रहा है, तो हमने कहा सर क्या चुनाव के बाद विचार करेंगे, उसका कोई जवाब नहीं। लगभग पहले चुनाव आयोग ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा गया कि हम जो इस बार जो चुनाव कराएंगे निष्पक्ष चुनाव कराएंगे और हमारी पूरी तैयारी है। चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर परम आदरणीय अजय गुप्ता साहब ने आपसे सारी चर्चाएं की हैं। वे एक सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर हैं, आपकी प्रतिष्ठा एक अलग है और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि इस देश में CBI, ED, इनकम टैक्स,
उसके साथ एक नाम और जुड़ चुका है, उसका नाम है भारत सरकार का निर्वाचन आयोग। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। क्या लगता है सर, ये चुनाव होंगे वो निष्पक्ष हो पाएंगे? यह संस्थान जो संवैधानिक संस्थान है, जिस पर सबकी आस्थाएं टिकी हुई हैं लोकतंत्र की मजबूती को लेकर, वह यदि किसी पार्टी का अनुसांगिक संगठन बन जाएगा तो पूरे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या सर, यदि इस तरीके की शिकायतें निरंतर करीब और चुनाव से पहले नहीं? मैं ईश्वर को बहुत मानता हूँ, हमारे सारे कर्मों का दंड ईश्वर देगा, चाहे वो चुनाव आयोग हो के मिश्रा हो।